हम आए हैं ओसाका के होनमाची एरिया के अंदर। ये एरिया काफ़ी फेमस है फॉरनर्स के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सस्ते सस्ते यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो अभी पीछे जो सामने मैं देख रहा हूँ वो आपको दिखाऊंगा, सबसे मज़ेदार, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट बच्चों के लिए, जो कि है सी बीच। यहाँ से बीच दिखता है और अंदर शॉपिंग सेंटर्स हैं जिनमें ख़ास तौर पे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सस्ते रीजनेबल प्राइस पर निचियोहिन, सेकात्सियोहिन, शोकुजी यानी कि डेली नेसेसिटी आइटम्स वगैरह मिलती हैं। देखिए, स्कूल्स में जब एडमिशन हम लेते हैं तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स हमेशा मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा रहेगा, किस तरह से मैं शॉपिंग वगैरह करके और बाई तो वगैरह कर सकता हूँ, पैसे बचा सकता हूँ, इंडिया से डिफरेंट होता है इंडिया से। देखिए, मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू यही चीज़ अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ कि लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही हाई क्वालिटी, बहुत ही सेफ है ये। जैसे कि मैंने भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ओसाका की पॉपुलेशन दिल्ली जितनी ही है, एरिया भी दिल्ली जितना है, लेकिन आप देख रहे हैं दूर दूर तक इतने अच्छे टूरिस्ट स्पॉट पर सिर्फ मैं ही हूँ घूमने आया हूँ और मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हैं यहाँ पे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे कि ये वाली बिल्डिंग अगर हम देखें तो इस बिल्डिंग में अराउंड 4 फॉरेन लैंग्वेज स्कूल्स हैं जिनमें आपको पूरे ओसाका, इनफैक्ट पूरे जापान का सबसे सस्ता, सबसे कम कॉस्ट पर कोर्सेज मिलेंगे। और साथ में ही बिल्कुल इस शॉपिंग सेंटर के अंदर आरुबाई तो आपको मिलेगी, जिस तरह से ये 3 फेरीज यहाँ पे लगी हुई हैं इनमें आरुबाई तो मिलती है। फॉरनर्स के साथ घूमने की आपको फ्री में घूमने को भी मिलेगा, आप उनसे इंटरप्रिटेशन करके पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये थी एक शॉर्ट बैकग्राउंड आपको ये बताने का कि ओसाका जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी अच्छा, काफ़ी ही कंफर्टेबल प्लेस है स्टूडेंट्स के लिए आरुबाई तो और लैंग्वेज स्टडी करने का, और लैंग्वेज स्टडी करते करते पैसे को सेव करने का। सिमिलरली ये है ओसाका का ग्रैंड फ्रंट टावर, और ग्रैंड फ्रंट टावर जो है ओसाका जेआर स्टेशन के बिल्कुल पास, मतलब ओसाका जेआर स्टेशन पर ही है जो कि ओसाका के सेंटर में पड़ता है। ये सेंट्रली लोकेटेड है, सभी स्टेशन से कनेक्टिविटी है, और ये जो है एक न्यूली बिल्ड मॉल है, मतलब नया ही बिल्ड स्ट्रक्चर है, मैं कह सकता हूँ अराउंड 2011 या 12 के अंदर इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और ये बिल्डिंग जो है ये प्रॉपरली बिजनेस सेंटर, ओसाका जो है पूरा एक बिजनेस सेंटर के तौर पे माना जाता है, और ये बिल्डिंग भी ओसाका के आइकॉनिक प्लेसेस में से है। और इसमें अंदर मॉल हैं, कैफेटेरियाज हैं जिसमें आरुबाई तो और मतलब पार्ट टाइम जॉब या फिर फुल टाइम जॉब्स की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। स्टूडेंट्स को भी पहले पार्ट टाइम जॉब इसी तरह के प्लेसेस में मिलती है और उसके बाद वो यहीं से परमानेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले, मतलब जो भी चीज़ें बैकग्राउंड के अंदर रहती है, जो भी चीज़ इसके बेसिक में रहती है, वो है जापनीज़ लैंग्वेज। जापनीज़ लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी ही एक स्टूडेंट को पहले पार्ट टाइम जॉब और उसके बाद फिर परमानेंट जॉब की तरफ प्रोसीड करने में हेल्प करती है। जापनीज़ लैंग्वेज में जितनी जल्दी, जितनी तेज़ी से प्रोफिशिएंसी आती है, जितनी ज़्यादा मेहनत आप पढ़ाई में करते हैं, उतनी ही तेज़ी से आप अपनी जॉब्स को परमानेंट जॉब्स में बदल सकते हैं। और इसके बाद ओसाका ही नहीं, टोक्यो, नागोया, अलग अलग जगह जापान में लगभग सभी जगहों पर सेम ही स्ट्रक्चर रहता है सैलरी का भी और पार्ट टाइम जॉब्स का भी। जैसे ओसाका के ग्रैंड फ्रंट टावर के अंदर ही अराउंड लगभग 4,000 to 5,000 फॉरनर्स को जॉब्स प्रोवाइड करी गई हैं। ये अराउंड स्टार्टिंग के 3 मंथ्स का ही डेटा था। आई थिंक मेरी भी पहली जॉब ओसाका ग्रैंड फ्रंट टावर के पास की ही एक बिल्डिंग में थी जिससे सी बीच दिखता था, और ये तो पहले की बात है, 2014 की बात है। लेकिन ओसाका ग्रैंड फ्रंट टावर जो है वो एक, मैं आपको इसलिए इस वीडियो के थ्रू इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपनी स्टार्टिंग करी है, यहाँ से काफ़ी प्रोफेशनल्स ने भी अपनी स्टार्टिंग करी है, और ये भी एक काफ़ी एक पॉपुलर प्लेस है जापनीज लैंग्वेज रिलेटेड जॉब्स को लेके अपने करियर को बनाने का। देखिए, लोकेशन जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू होता है, बहुत ही अच्छा इसका सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है, साफ सफाई काफ़ी जापान में रहती है, जॉब्स का भी और मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इन सब का काफ़ी एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन सारी बात ये होती है कि आप इतने डेवलप्ड स्टेट में
खासतौर पर जापान में सिर्फ जापानीज लैंग्वेज को अच्छी तरह से प्रोफिशिएंटली गेन करके ही जा सकते हैं. इसके बिना जाना जो है वो एक डिफरेंट पाथ होता है जो कि डिफ़िकल्ट होता है. जैसे मैंने पहले बताया था आईटी या किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आपको एक्सपर्टीज है तो सबसे बेस्ट लोकेशन क्यों है जापानीज लैंग्वेज स्टडी करने वालों के लिए? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पढ़ना हो तो ओसाका आएँ और जॉब करनी हो तो टोक्यो जाएं? इसका सबसे पहला जो रीज़न है वो है कॉस्ट. कॉस्ट जो है ओसाका में रहने की, खाने पीने की, घूमने फिरने की काफ़ी कम है. टोक्यो से भी अच्छी अच्छी लोकेशंस, टोक्यो से भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सीखने का बहुत कुछ ओसाका में है. और जब हम बात करते हैं जॉब्स की तो सैलरी टोक्यो में ज़्यादा है ओसाका के कंपैरिजन में. हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 100 और 85 इतना ही डिफरेंस है, लेकिन स्टिल फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस भी काफ़ी मैटर करता है. हालांकि टोक्यो में रहना तो महंगा ही है, घुमा फिरा के कॉस्ट वहीं की वहीं पड़ जाती है. फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपको पढ़ना है तो ओसाका, रहना है तो, जॉब करनी है तो टोक्यो. जैसे कि अभी हम ओसाका में हैं, ओसाका के सेंट्रल प्लेस पर हैं बिल्कुल, और ओसाका जो है एक बिज़नेस सेंटर माना जाता है. बिज़नेस सेंटर का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा टाइम जॉब करके अगर बिज़नेस भी सोच सकते हैं तो यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे ऑप्शंस, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने सिर्फ 3 साल में, सिर्फ 4 साल में बहुत बहुत बड़ा ग्रो करा है और मिलियंस येन की कंपनी तक वो पहुँचे हैं. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब काफ़ी फॉरेनर्स भी आपस में एमलगेमेशन करके फॉरेन स्टॉक की कंपनीज यहाँ पर खोलते हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नॉलेज की ज़रूरत है. नॉलेज से भी पहले सबसे ज़्यादा आपको जापानीज लैंग्वेज की ज़रूरत है. अगर आप इंडिया में जापानीज लैंग्वेज पढ़ते हैं लगभग 2 साल या 2.5 साल, उतनी ही लैंग्वेज आप सिर्फ 6 महीने में जापान में सीख सकते हैं. जो लोग जापान में आते हैं JLPT को टारगेट करके, तो JLPT उनका क्लियर हो या ना हो, क्योंकि उसके लिए तो पूरा बैठ के आपको क्रैमिंग करनी पड़ती है, बुक्स में से कांजी वगैरह याद करनी पड़ती है, लेकिन उनकी जो स्पोकन पावर है वो बिल्कुल जापानीज जैसी हो जाती है 6 महीने में ही. ये चीज़ अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर भी अगर आएँ जापान, सिर्फ 20 दिन या 1 महीना रहें, थोड़ी सी जापानीज आपको आती हो, तो आप ये देखेंगे कि आपकी आपको लगभग काफ़ी अच्छी जापानीज समझ आने लग गई है, कल्चर भी समझ आने लग गया है. और ये चीज़ें जो है ये आप वीडियोस से भी पता लगा सकते हैं. वीडियोस में भी अगर आप स्मॉल एक्सप्रेशंस को देखें जापानीज लैंग्वेज के, तो भी आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल सकती है. फिलहाल हम बात कर रहे हैं रियूगाक की. रियूगाक होता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने का भी होता है. तो इन सब प्लान्स को अगर हम अपने फ्यूचर के साथ कंबाइन करके देखें, अगर हम सिर्फ ये ना सोचें कि मुझे सिर्फ जापान घूमने जाना है, घूमना तो ऑब्वियसली उसका एक पार्ट है ही, अगर हम ये सोचें कि पढ़ाई के साथ साथ इंटरनेशनल नॉलेज और उसके साथ साथ पैसा कमाने का, पूरा करियर बनाने का मेरा पाथ क्रिएट हो, तो उसके लिए जापान इज़ द बेस्ट लोकेशन. मैं यही समझाना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच.